सिक्खापदं स्मादयामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। एक घटना बड़े कमाल की मेरे बचपन में हुई थी। मैं स्कूल में था तो एक लड़के ने एक लड़के के थप्पड़ मार दिया। वो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि वो थप्पड़ कहीं उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का थप्पड़ मारेगा, क्योंकि कोई बात हुई नहीं, ना ही कोई झगड़ा हुआ, ना ही कोई अपशब्द हुए, ना ही कोई बातचीत हुई, ना ही कोई चोरी हुई, ना चकारी हुई, कोई बात नहीं हुई। वो अचानक आया और थप्पड़ मार दिया। वो लड़का थप्पड़ तो भूल गया, उसने ये पूछा कि तूने मारा क्यों है, तू ये बता दे तूने मारा क्यों है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया बाद में देगा, पहले ये पूछ रहा है मारेगा क्यों है। उसने कहा मैं तो नहीं बताता। इतने में जिसने थप्पड़ खाया था, जिसके थप्पड़ लगा था, उसके 3-4 समर्थक भी आ गए। अब जिसने थप्पड़ मारा था उसकी हालत खराब, मगर वो अकड़ता रहा। वो चारों पांचों ने उसको पकड़ लिया और कहा कि पहले ये बता थप्पड़ मारा क्यों है। अब वो फंस गया। अब उसने कहा थप्पड़ का, कह रहा मेरी मर्जी। अरे भाई मर्जी बाद में है, ये मर्जी बनी कैसे, पहले ये बता थप्पड़ मारा क्यों। अब वो बताए क्या, तो उन्होंने उसकी पिटाई की, 3-4 लोग थे, और सवाल एक ही रहा कि तूने मारा क्यों ये बता। उसने कहा मुझे इससे चिढ़ है। भाई तुझे इससे चिढ़ क्यों है ये बता। कह रहा ये बहुत बनता है। कह रहा ये बनता है तो इससे तुझे क्या दिक्कत है। इस सवाल का जवाब वो दे नहीं पाया कि अगर ये बनता है तो इससे, यानी कि अगर ये चलता है, अच्छा खाता पीता है, या ये बन के रहता है, तो इससे उसे दिक्कत क्या है। ये सवाल का जवाब वो दे नहीं पाया। धुनाई उसकी उन तीनों चारों ने की, मगर ये सवाल मेरे दिमाग में रहा कि उसके बनने से, उसके सजने से, उसके सवने से इसे क्यों दिक्कत हुई। ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, और ये सवाल का उत्तर आप मुझे मेरे फेसबुक की वॉल पे, मेरे पेज पे, जो टीम 22 का पेज है, या जो मेरा पेज है सुधीर दास सिंह का, या मेरा यूट्यूब चैनल है सुधीर दास सिंह के नाम से भी है और टीम 22 के नाम से भी है, या ट्विटर पे, या जहां भी आपको मिले, इस सवाल का जवाब जरूर देना इस वीडियो के नीचे, और खूब बड़ा चौड़ा जवाब देना। सवाल मेरा अब स्टार्ट होगा। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं अपने वॉल्यूम में कि राजस्थान के अंदर जो घी से रोटी खाते हैं उनकी पिटाई होती है, कोई अगर सफेद नया कपड़ा पहन ले उसकी पिटाई होती है, जो जूता नया पहन ले उसकी पिटाई होती है, जो साफा अच्छा पहन ले उसकी पिटाई होती है, जो सिराने बैठ जाए उसकी पिटाई, सिराने का मतलब है कि खाट के सिर वाले हिस्से पे बैठ जाए उसकी पिटाई होती है, खाट पे तो बैठने नहीं देते, नीचे बैठेगा दूर बैठेगा, जो हुक्म नहीं कहेगा उसकी पिटाई होती है। ये खाली राजस्थान की बात नहीं है, आज के समय भी घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, यहां तक कि अभी एक केस आया कि जो आपके घर में मरा है उसको जलाने नहीं देंगे। भारत का नागरिक भारत के नागरिक को रोटी नहीं खाने दे रहा है, कपड़े नहीं पहनने दे रहा है, भारत का नागरिक भारत के नागरिक को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहा है, भारत का नागरिक भारत के नागरिक को घी नहीं खाने दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रखा है, उसका रास्ता बंद कराया, बहुत सारे केस आते हैं उनका रास्ता बंद कर देते हैं, कारोबार नहीं करने दे रहा है, कारोबार आता है तो उनको परेशान करता है, कारोबार आता तो चलता नहीं है, मजदूरी नहीं करने दे रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है, क्यों आखिर, बेसिकली क्यों भाई। भारत का नागरिक भारत के नागरिक से इतनी ज्यादा जो दुश्मनी है वो क्यों रख रहा है। दरअसल सवाल अभी पिटाई का हम बाद में करेंगे, जो हत्याएं हो रही हैं उसके उसका बाद में करेंगे, जो शोषण हो रहा है उसका बाद में करेंगे, पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए। मुझे जवाब पता है, मगर मैं चाहता हूं कि आपका जो जवाब है मैं मैच करूंगा कि वो जवाब कितना मिलता है या कितना नहीं मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन जवाबों के साथ में इस जवाब को भी बना के दूंगा कि इसका जवाब क्या है, कि भारत का नागरिक भारत के नागरिक को भारत का नागरिक ही नहीं समझ रहा है, तो यहां दिक्कत कहां आ रही है, और ये कैसा देश प्रेम है और कैसे देश प्रेमी लोग हैं कि अपने ही देश प्रेमी अपने ही देश के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, यानी वो देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो देश के डेवलपमेंट को विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं, देश के लोगों को मार रहे हैं, देश के लोगों को पीट रहे हैं, देश के लोगों को कुछ देना नहीं चाहते हैं, और देश के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये सवाल आपके लिए है।
खूब बड़े बड़े आप इसमें टिप्पणियां लिखिए, सोच के लिखिए, समझ के लिखिए, जो मन में आए बिंदास वो लिखिए। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.